पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान ने गजब कर दिया, क्या कुछ पाकिस्तान ने करा है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला नंबर 35 खेला गया बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जहां पर एक इतिहास रच गया क्योंकि इस मैच में टॉस जीता था पाकिस्तान की टीम ने, गेंदबाजी लेने का फैसला किया था, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, जिस पर शोएब अख्तर एंड कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ही इन्होंने भी सवाल उठाए थे कि आपने क्यों पहले गेंदबाजी ली, क्यों आप चेज करने के पीछे दौड़े, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान चेज में उतना ही माहिर है जितना, अभी मुझे एग्जांपल नहीं आ रहा, बट चेज नहीं कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि एक अगर आउट होता है तो उसके बाद ये पूरी पाकिस्तान की टीम बिखर जाती है। लेकिन बिखरी नहीं, निखरी, गेंदबाजी में बिखरी, गेंदबाजी बड़ी लचर हुई इस बार पाकिस्तान की टीम की। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए ओडियाईज में, ओडिया वर्ल्ड कप में या पूरे वर्ल्ड कप में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उसके बाद हारिस रॉफ ने भी 10 ओवर में 85 रन्स लुटा दिए। आप सोचिए, शाहीन शाह अफरीदी तो विकेट लेस रहे, तो बहुत खराब शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद आया बल्लेबाजी, डीएलएस मेथड, क्योंकि बारिश आई, बारिश ने थोड़ा काम खराब किया लेकिन पाकिस्तान के लिए काम बना दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को 41 ओवर में ये मुकाबला चेज करना था, साथ ही साथ 402 का जो टारगेट था वो भी कम हो चुका था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जल्दी निपट गए, सस्ते में निपट गए, लेकिन उसके बाद फखर जमा और बाबर आजम, इन दोनों की जोड़ी ने भैया कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया। बाबर आजम ने गजब की अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं शतक लगाया आपके फखर जमा ने। फखर जमा और इफ्तिकार अहमद, ये दो ही बैटर्स थे इस लाइनअप में जो लग रहा था कि कुछ कमाल कर पाएंगे और इन्हीं की वजह से ये मुकाबला जीत सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान की हालत ऐसी कि पाकिस्तान अब भी फाइनल्स की रेस में, सेमीफाइनल्स की रेस में बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, पाकिस्तान भी अभी इस मैच में अच्छे तरीके से बना हुआ है, पाकिस्तान अब आगे जा सकता है, अपनी उम्मीदें कायम रख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने मुकाबला 21 रन से जीत लिया है। बाबर आजम जहां कप्तानी में बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे थे पहली पारी में जब गेंदबाजी हुई, वहीं दूसरी पारी में बाबर आजम ने दिखाया कि ठीक है, आपका पहली इनिंग अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपकी शुरुआत नहीं, आप अपने अंजाम से जाने जाते हो। ऑल इन ऑल पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें अभी भी वर्ल्ड कप में कायम है। अब आप कमेंट्स करके बताइए आपकी क्या राय है और यह मुकाबला आपको कैसा लगा।